नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। सुपर फूड की कैटेगरी में शामिल नारियल पानी वैसे सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इसका सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। नारियल पानी में पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट करने और इलेक्ट्रोलाइट संरचना को बेहतर करने में उपयोगी है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हर किसी के लिए नारियल पानी फायदेमंद साबित हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है या पोटेशियम की समस्या है, उन्हें नारियल पानी किस तरह से पीना चाहिए। नारियल पानी से किन लोगों को हो सकता है नुकसान। इलेक्ट्रोलाइट में असंतुलन। जिन लोगों को अधिक पोटेशियम की समस्या होती है, उनमें नारियल पानी पीने से इलेक्ट्रोलाइट के असंतुलित होने की समस्या हो जाती है। दरअसल इलेक्ट्रोलाइट्स के मुकाबले नारियल पानी में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे अगर इसका सेवन अधिक कर लिया जाए तो पोटेशियम का स्तर तेजी से बढ़ सकता है और पैरालिसिस होने का खतरा बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर करे कम। नारियल पानी के सेवन से ब्लड प्रेशर में कमी हो सकती है। ऐसे में जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बाद ही नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। वजन बढ़ाए। नारियल पानी में हाई कैलोरी होती है। ऐसे में अगर आप अधिक मात्रा में नारियल पानी का सेवन करते हैं तो इससे शरीर में कैलोरी बढ़ जाएगी और आपका वजन भी बढ़ने लगेगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक समस्या है जो शरीर में नमक के स्तर को कम कर सकता है। नारियल पानी में बहुत कम सोडियम और बहुत अधिक पोटेशियम होता है। ऐसे में अगर आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो नमक के स्तर को बढ़ाने के लिए नारियल पानी ना पिएं। वहीं अगर आपकी किडनी की भी समस्या है तो आपको नारियल पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तब डॉक्टर की सलाह के बाद ही नारियल पानी पिएं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। वीडियोस के लिए चैनल बोल्ड स्काई सब्सक्राइब करें।